आजमगढ़ में शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। यहां उन्होंने पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की, इसके बाद मीडिया से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि 25 सालों तक सपा सरकार नहीं आने वाली, सिर्फ भाजपा ही राज करेगी। हम 2024 के चुनाव में पूरी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है, उन्हें अब कोई पूछने वाला नहीं है। राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रखने से वो पीएम थोड़े ही बन जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की ताकत हर घंटे बढ़ रही है, लगातार भाजपा में सभी दलों के लोग आ रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। सपा समाप्तवादी पार्टी है, जबकि बसपा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जबकि कांग्रेस को कोई पूछने वाला ही नहीं है। इंडिया नहीं यूपीए कहिए, जिसने कई साल पहले 12,000 करोड़ का घोटाला किया, आज डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। केशव ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, भाजपा आने के बाद लोग कहते हैं कि अब विकास हो रहा है, हम लोग जनता की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के सवाल पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का कहना है कि जो आदेश मिला है उसका जश्न मना सकते हैं, पर राहुल गांधी को अपनी असंयमित भाषा को बदलने की जरूरत है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, सपा समाप्तवादी पार्टी, बसपा बिल्कुल समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं। सर, इनका कोई दोस्त नीतीश जी यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, श्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर भी आ सकते हैं, यूपी में आ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, लेकिन अब जीतेंगे कि हारेंगे जनता जानती है, क्योंकि तीसरी बार मोदी सरकार, कोई नीतीश कुमार जी कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री बने रहे हैं। अभी तो अगली जब चुनाव विधानसभा का होगा बिहार में, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। सर, इंडिया सर, कितना इंडिया को लेके और शिवपाल जी का भी, आपके इंडिया मत कहिए, उसे यूपीए कहिए, कंफ्यूजन में मत पड़िए। ये वही यूपीए है जिसने 12,00,000 करोड़ का घोटाला किया है, या वही यूपीए है जिसे सपा बसपा की बैसाखी पर 10 साल देश को बर्बाद करने का मौका मिला। इसलिए यूपीए को और दूसरे नाम से मत पुकारिए। अब श्री राहुल गांधी जी का नाम प्रधानमंत्री रख देंगे तो वो प्रधानमंत्री नहीं ना हो जाएंगे, राहुल गांधी जी राहुल गांधी रहेंगे। तो आज आदेश मिला है, वो उसका जश्न मना सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपनी जो असंयमित भाषा है उसे वह चेंज करेंगे और संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे। वहीं अब सपा ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आजमगढ़ में आए थे, आजमगढ़ की लोकसभा की कुर्सी भाजपा को दोबारा जिताने के लिए। वह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू विधानसभा में अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाए, जिनकी मुख्यमंत्री के बगल में एक कुर्सी लगवाने की हैसियत नहीं है, वह स्टूल पर बैठते हैं, वो आजमगढ़ की कुर्सी की क्या बात करेंगे। समीकरण के आधार पर पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा यहां से जीत गई, लेकिन भविष्य में आजमगढ़ की धरती पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ साथ देश के 543 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने का जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जनता भाजपा द्वारा मणिपुर की तरह पूरे देश में कीचड़ फैलाने के मंसूबे को समझ चुकी है। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए। यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए, यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पर बैठने का काम करते हों, वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जीतवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है। और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहाँ से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों में ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।